देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नववर्ष मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाले नववर्ष मेले को लेकर मंदिर न्यास, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और नववर्ष मेले के दौरान जहां पंजाब, हरियाणा व यूपी सहित देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ नैना देवी के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत करेंगे, तो साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई व पीने का स्वच्छ जल का पूरा प्रबंध किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कोलावाला टोबा से लेकर मंदिर परिसर को 9 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान, महिला पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। वहीं देश भर से आए श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन के लिए लाइनों में लगाकर मुख्य द्वार तक भेजा जाएगा, ताकि भीड़ की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रह सके। वहीं नववर्ष मेले को लेकर नैना देवी मंदिर न्यासी प्रदीप शर्मा व पुजारी तरुणेश शर्मा का कहना है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मां नैना देवी की दरबार में नववर्ष मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जिला प्रशासन व पुलिस मंदिर के साथ मिलकर मंदिर न्यास द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि नववर्ष मेले के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है नव वर्ष का मेला नैना देवी में शुरू होने जा रहा है, जो कि प्रशासन की तरफ से 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह मेला नैना देवी के दरबार में लगेगा। इस दौरान जो है वो लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में आएंगे और माँ का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था है कि नए साल का जो आगाज है वो माँ के दरबार से अगर किया जाए तो पूरा वर्ष जो है लोग समझते हैं कि हमारा अच्छा निकलेगा और घर में सुख शांति रहेगी। तो इसलिए मंदिर प्रशासन ने भी अपनी इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा प्रबंध जो है चाक चौबंद कर दिए गए हैं। लंगर का जो हमारा है सदाव्रत लंगर जो हर वक्त चलता है 12 महीने, उसमें भी अच्छी सुविधा कर दी गई है और जितने भी लोगों को ठहरने के या और किस तरह के जितने भी इंतजाम हैं उन सब पर जो है प्रशासन ने पूरा अपना खाका तैयार कर दिन श्रद्धालुओं का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है तथा काफ़ी भीड़ है मंदिर में, और अब आने वाले दिनों में जो है नववर्ष का मेला भी यहाँ भी लगने वाला है, और उसके लिए प्रशासन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और मंदिर को बड़े अच्छे ढंग से भी सजाया जाएगा इस दौरान, और बड़े आराम से जो है श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है। तो हूँ 2023 साल जोड़ा है ये खत्म होंगे, मतलब हो ही गया खत्म, तो जोड़ा 24 आना पूरी पूरी जोरों शोरों प्रशासन तैयारियां कर रहा, और यात्रियों का भी पूरा रश है, और माता जी के भगतों का 23 का जोड़ा उन्हों का साल निकलिया उन्हें शुकराना कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है। ठीक है जी, तो 24 की पूरी तैयारी प्रशासन ने की हुई है, नवे साल के मेले से वो तो वह आ के माता जी के दर्शन का लाभ उठाओ। जय माता जी। यात्री बड़ी जोरों शोरों से नववर्ष की तैयारी में भी और आज के दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रबंध काम द्वारा किए गए हैं, जिनमें यात्रियों को लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं और नववर्ष की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चली हुई हैं।